फ्रेंड इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप मोबाइल को रिमोट बना सकते हैं, जैसे सिर्फ टीवी नहीं, साथ में टीवी, सेटअप बॉक्स, फिर एसी, फैन, स्मार्ट बॉक्स, फिर डीवीडी प्लेयर, प्रोजेक्टर, कैमरा, ए टू जेड फ्रंट, इधर से आप चला सकते हैं। आप मोबाइल को ही आपका रिमोट बना सकते हैं, जैसे आपका सेटअप बॉक्स के लिए अलग रिमोट का जरूरत पड़े, टीवी के लिए अलग रिमोट का, फिर एसी के लिए, फिर प्रोजेक्टर के लिए, फिर प्रिंटर, फिर कैमरा के लिए अलग अलग रिमोट का जरूरत पड़ता है। लेकिन फ्रेंड मैं जो टिप्स लेके आया हूँ, अगर आप मोबाइल से यूज़ करोगे तो सिर्फ एक ही मोबाइल से आपका कोई रिमोट का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप मोबाइल से आराम से चला पाओगे। टीवी हो, सेटअप बॉक्स हो, कुछ भी हो जो रिमोट में चलते हो, आप आसानी से मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कैसे, आप अगर सीखना चाहते तो वीडियो को बिना स्किप करके आखिर तक देखते रहे। मैं तो एमआई मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, तो इसमें ऑटोमेटिकली इसमें एक ऑप्शन दिया रहता है जैसे एमआई रिमोट, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एमआई यूज़ नहीं कर रहे और आपका फ़ोन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो सिंपली आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंस्टॉल कर लेना। कोई भी रिमोट अगर ले लोगे तो हो जाएगा। तो इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आपको बताते, लेकिन उसका पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। तो मैं इसमें इस्तेमाल कर कैसे इस्तेमाल करते वो बताते। सिंपली आपको एमआई जो रिमोट है, आप जो भी रिमोट इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी डाउनलोड करके रखा है प्ले स्टोर से, वो ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद फ्रेंड ऐसे आपको कुछ पेज खुल जाएगा, तो आपको ऐड रिमोट के ऊपर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड इधर में देख सकते हैं आप किससे कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे टीवी से, सेटअप बॉक्स से, एसी से, कैमरा से, डीवीडी प्लेयर से, प्रोजेक्टर से, किसी के साथ भी अगर आप कनेक्ट करने जाओगे तो तारीख एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मान लीजिए मैं सेटअप बॉक्स के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो इधर में सेटअप बॉक्स का जो ऑप्शन है फ्रेंड उसमें क्लिक कर लेते। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको कंपनी चूज करना पड़ेगा, कौन सा कंपनी का सेटअप बॉक्स है आपका पास। तो मेरा पास तो फिलहाल इधर में देख पाओगे आपका कोई भी सेटअप बॉक्स है तो इसमें ऑटोमेटिकली ले लेगा, जैसे एयरटेल हो गया। आप इधर में फ्रेंड फ्री डिश भी यूज़ कर सकते हैं, जितना भी है फिलहाल वो पूरा के पूरा डिश का नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं तो डिश टीवी यूज़ करता हूँ, तो डिश टीवी के ऊपर क्लिक कर लेते फ्रेंड, इधर देख सकते हैं। करने के बाद फ्रेंड इधर में पावर का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप पावर में क्लिक कर लेना। और यहाँ पे फ्रेंड आपको नीचे में पूछेगा जे आप जो डिवाइस ऑन करना चाहते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे यस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पे आपका वॉल्यूम का आएगा, तो वॉल्यूम भी यस कर लेना। करने के साथ साथ फ्रेंड इधर में आपका पास उस यहाँ मांगेगा, परमिशन मांगेगा, तो इधर में पेड कर देना। आप देख सकते हैं नीचे में पेड का ऑप्शन आ जाएगा, तो पेड में क्लिक कर लेना। क्लिक करने के साथ फ्रेंड आपका रिमोट जैसे दिखने में ऐसा मोबाइल का डिस्प्ले भी ऐसा हो जाएगा, आपका सामने रिमोट आ जाएगा। तो इधर से आप आसानी से चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, साउंड भी कर सकते हैं, जैसे रिमोट में जो जो कर सकते हैं मोबाइल से भी उतना ही कर सकते हैं। सिर्फ सेटअप बॉक्स के लिए नहीं, टीवी में भी कर सकते हैं, एसी में भी कर सकते हैं, कैमरा में भी कर सकते हैं, प्रोजेक्टर में भी, फिर आपका प्रिंटर में भी जो रिमोट में चलता हो। तो इधर में मैं आपको चैनल चेंज करके बताते फ्रेंड, जैसे आपको चैनल चेंज करना है तो इधर में चेंज के ऊपर क्लिक कर लेना। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड ऐसे में चैनल आसानी से चेंज कर सकते हैं, कोई भी चैनल हो। फिर फ्रेंड इधर लाउड भी कर सकता हूँ, बहुत ही आसानी से फ्रेंड इधर में आपका रिमोट का जो काम करते हो वो आप इधर से करा सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे जो भी फीचर्स है, जैसे आप साउंड कम करना चाहते हैं, फिर डायरेक्ट चैनल में जाना चाहते हैं, तो इधर में आप यूज़ करने के साथ साथ फ्रेंड इधर में अच्छा करके दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं इतना डिटेल से नहीं जाना चाहता हूँ। तो इधर में सिंपली आपका शंका आ जाएगा, कोई भी नंबर इधर में अगर आप चूज़ करना चाहते तो इधर से आप कर पाओगे। जैसे मैं इधर से एक नंबर दबाते, तो ऑटोमेटिक फ्रेंड आप देख सकते हैं इधर से जो चैनल है वो बदल गए। फिर फ्रेंड इधर में जितना भी फीचर्स है आप अगर सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि ये सिंपल सा डिस्प्ले आपका सामने लेके आते हैं, आप इधर से देख सकते हैं। और इधर में आपका छोटा छोटा करके आपका डिस्प्ले का ऑप्शन दिया रहा और रहेगा, जैसे यहाँ पे नंबर दिख रहा है, नंबर में क्लिक करोगे तो आप इधर से चैनल डायरेक्ट जा पाओगे, कोई भी नंबर इधर से कितना भी नंबर हज़ार के ऊपर हो फिर इधर में डायरेक्ट आप लेके जा पाओगे। फिर इधर में फ्रेंड जो ऑप्शन आएगा,
इधर में इसका कलर भी सेंस कर सकते फ्रेंड। फिर इधर में आप देख सकते हैं साउंड का ऑप्शन दिया हुआ है, साउंड भी सेंस कर सकते हैं। मतलब ए टू जेड आप कंप्यूटर आपका रिमोट से जैसे उसका इस्तेमाल करते ये भी पूरा के पूरा आप मान लीजिए आपका सेट बॉक्स का रिमोट जैसा होते पूरा के पूरा वही सिस्टम आ जाएगा। आपका टीवी का रिमोट जैसा होते जितना भी फीचर्स रहते जितना भी ऑप्शन रहते पूरा के पूरा ऑप्शन इधर आने वाला है। और कोई भी यूज़ करते जैसे एसी का कैमरा का जितना भी छोटा है ऑप्शन फिर ज़्यादा ऑप्शन है जितना भी ऑप्शन रहेगा आपका ए टू जेड यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप आसानी से रिमोट जैसे इस्तेमाल कर पाओगे। फिर सबसे बड़ा बात यही है आप अगर अलग अलग से यूज़ करते जैसे टीवी हो फिर एसी हो फिर सेटअप बॉक्स कैमरा प्रोजेक्टर प्रिंटर तो उसके लिए अलग अलग सा रिमोट रहते। तो एक मोबाइल से यूज़ करोगे तो आपका कोई भी रिमोट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक ही मोबाइल से आप हार्ड डिवाइस चला सकते जो जो आपका पास है और वो भी बहुत आसानी से। और फिर भी कोई भी दिक्कत आपको आ रहा है तो ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में फ्रेंड कमेंट करना, मैं इसको रिप्लाई करूँगा। कोई भी दिक्कत है तो उसको सोल्यूशन मैं दे दूँगा इधर से। और फ्रेंड ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर आपका फ्रेंड एंड रिश्तेदार का शेयर करना क्योंकि उसको भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, उसको भी सीख जाए तो अच्छा रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।